तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं आईटीबीपी में एक नई भर्ती आई है और वो भी असिस्टेंट कमांडेंट की। डायरेक्ट आप असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर पोस्टें रखी गई है और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 6 यहाँ पर है, ठीक है ना। और बैकलॉग की वैकेंसी है, इसलिए दोबारा से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है कई कैटेगरी में इसमें आपको जो है पोस्ट देखने को न मिले। और सैलरी बहुत अच्छी खासी आप सभी को पता है, 56,000 से लेके 1,77,000 तक इसमें सैलरी है। आप सभी को पता होगा यहाँ पर इसकी जो नाम है असिस्टेंट कमांडेंट, तो इसकी यहाँ पर जो है सैलरी तो होगी। और ये एक टेक्निकल पोस्ट है जिसमें आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर की पोस्ट है, सिविल इंजीनियर की, ठीक है। इसके जो फॉर्म हैं 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे, तो आप अगर इसमें योग्य हैं तो आप भर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट हैं टोटल 6 पद है, UR की 2, OBC की 2, SC की 2, ST और EWS में कोई भी पोस्ट नहीं है, न ही ESM में है, क्योंकि बैकलॉग की वैकेंसी है। और दोबारा से ये लंबे समय से खाली पद रहने के कारण UR, OBC और SC कैटेगरी में यहाँ पर पोस्टें वो निकाली गई है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करता हूं तो यहां पर 30 साल तक आपकी उम्र है वो हो सकती है, वो भी लास्ट डेट तक, जब आप लास्ट डेट को फॉर्म भरेंगे तब तक। और वैसे जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनको छूट भी यहां पर दी गई है। अब ST और EWS की सीट नहीं है तो वो आप इसमें जनरल से फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं हाइट के बारे में, हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 है। और चेस्ट, आप चेस्ट भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओनली मेल के लिए है, फीमेल के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यहाँ पर वेट भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, जितनी हाइट और एज है उसी के अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए। अब मिनिमम मेडिकल जो स्टैंडर्ड है मेल और फीमेल के लिए, तो आप यहाँ पर आई साइट देख रहे हैं और लैसिक सर्जरी देख रहे हैं। और यहाँ टैटू के बारे में बताया गया है, हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो भी ITBP की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट .itbppolice.nic.in ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और फीस के बारे में बात करते हैं तो ₹400 फीस यहाँ पर रखी गई है। और आगे हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा इसमें वो होगा वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन होगा, आप इसमें पात्र हैं, डॉक्यूमेंट है आपके पास में, तो ही आप आगे की प्रोसेस में जा पाओगे। फिर आपका फिजिकल यानी PST होगा, फिर आपका PET यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको रेस लगानी है। यानी कि यहाँ पर दिया गया था कैंडिडेट हु क्वालिफाई PST शैल अपियर इन फॉलोइंग फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET। तो यहाँ पर इवेंट है 100 मीटर रेस है और मेल के लिए 16 सेकंड है, फीमेल के लिए 18 सेकंड है। 800 मीटर की रेस है जो इसमें आपको 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम, और महिलाओं के लिए इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं टोटल जो है सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर और 3 चांस है महिलाओं के लिए 3 मीटर का है। शॉर्ट पुटअप की बात करते हैं तो यहाँ पर 7.26 किलो जो है यहाँ इसका रखा गया है, 4.5 मीटर के लिए और महिलाओं के लिए ये नहीं है। और आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बायोमेट्रिक आपका होगा फेज सेकंड में। जब आप यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में अगर क्वालिफाई हो जाएंगे मेडिकल में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फेज सेकंड में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। यानी लिखित परीक्षा कब ली जा रही है, जब आपका फिजिकल हो जाता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, और बायोमेट्रिक आपकी हो जाएगी। तो सेकंड फेज में जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा, पहला पेपर जो होगा वो जनरल पेपर होगा जिसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GK, चारों के 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करने हैं और 100 ही मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है। दूसरा पेपर होगा वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है इसमें आपको लिख के आंसर देने हैं। इसमें तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो पेपर सेकंड है वो सब्जेक्टिव है। इसमें टोटल 15 ही प्रश्न पूछेंगे, 2 घंटे का टाइम होगा और इसमें भी 5 प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे। जैसा हम आप कॉलेज में जाते हैं तो जब एग्जाम देते हैं थ्योरी के रूप में लिख कर एग्जाम देते हैं, RAS, MAS, जो RS हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया, इनकी जो हम एग्जाम देते हैं तो उनमें जो लिख कर आंसर दिया जाता है उसे हम सब्जेक्टिव जो है वो
पेपर कहा जाता है। तो इस टाइप का आपका पेपर होगा। दोनों ही पेपरों में यहाँ पे 50% आपको क्वालिफाई होगा पेपर में अंक लाना, ठीक है। फेज थर्ड आपका होगा इंटरव्यू का, जिसमें आपको इंटरव्यू देना है, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसको भी कई पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख पा सकते हैं। तो इस प्रकार से इससे वैकेंसी के बारे में बाद में फाइनल आपकी मेरिट आ जाएगी, फिर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा और एग्जामिनेशन यानी आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में रिव्यू मेडिकल होगा। और इस जो भर्ती है इसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसमें पूरी की पूरी जानकारी आपको पढ़नी है, और अगर आपके पास में योग्यता है, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा डिग्री है, तो आप बिल्कुल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बनने का आपके पास में बहुत ही बड़ा अवसर यहाँ पर मिला है, और यहाँ पर जनरल में भी ओबीसी में भी यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं पोस्टें देखने को मिली है, वो भी बैकलॉग की साइड से। तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास में यहाँ पर है, और डायरेक्ट यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट जो बनने का अवसर आपके पास में है। तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।